गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अभी मैं घर पे हूँ, अभी यहाँ से जाऊँगा बड़ा बाज़ार। बड़ा बाज़ार में कुछ काम है, उसके बाद फिर कहीं जाऊँगा, थोड़ा सा काम है, आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। और कल जो मैंने ब्लॉग डाला था जुगनू को लेकर, तो उसका क्या हुआ कि उसको मैंने दवा भी दिया, अभी वो खाना नहीं खा रहा है, तो मैंने उसको दूध जो है ड्रॉपर के साथ उसको दूध थोड़ा सा दिया है, वो है उसने दूध पिया है, दवा भी दे दी है, अभी वो सो रहा है। मैं दिखा रहा हूँ जुगनू जो अभी सो रहा है। मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते वो यहाँ पे आ गया जनमाज पे और यहीं पे सो गया। मैंने इसको उठाया नहीं क्योंकि ये जब उठ रहा है या चल रहा है तो इसको बहुत दर्द हो रहा है। इसका ये नीचे वाला जो पैर देखो लग रहा है, इसको ठीक हो जाएगा बाबू। तो इसको दवा चलेगा, अभी मैं अपडेट देता रहूँगा जब तक ब्लॉग बनते रहेंगे कि इसका कहाँ तक रिकवरी हुआ। तो चलो आपसे बाहर मिलता हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं पिलखाना में। पिलखाना एक करबला मैदान है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये करबला मैदान है, ये मैदान है, यहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे, यहाँ पे कुछ काम है, यहाँ से करने के बाद जाएंगे बाहर। तो आप लोगों को दिखाते हैं क्या है, कुछ सामान भी लेना है बड़ा बाज़ार से। एक्चुअली मेरा एक एग्जीबिशन आ रहा है 21 तारीख को, 21 अक्टूबर, 21, 22, 23, तो वहीं बेलूर के रंगोली मॉल में, तो वहाँ पे कुछ एग्जीबिशन है, तो उसके लिए कुछ सामान खरीदना है। तो अभी वहाँ जाएंगे, आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या खरीदा है, कैसा कुछ है। तो मिलते हैं आपसे फिर बड़ा बाज़ार। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बड़ा बाज़ार ऑलरेडी, मतलब काफ़ी वक्त से आए हुए थे, बट वहाँ पे रिकॉर्ड करने का ये नहीं मिला टाइम। एक्चुअली हम लोग कुछ कपड़ा खोज रहे हैं जो मेरा एग्जीबिशन है उसमें, उसके लिए लेडीज़ से बांधनी और बंधेज वो हो गया। तो अभी हम लोग हैं दिगंबर जैन टेंपल रोड में, तो यहाँ से आगे पगैया पट्टी है, वहाँ जाएंगे। वहाँ पे पता चला है कि वहाँ पे कुछ सूट वगैरह पगैया पट्टी आ गए हैं, बहुत भीड़ है यार, बहुत रश है। यहाँ से आप आ सकते हैं, यहाँ पे आपको कपड़ा बहुत सस्ते में मिलेगा भाई। यहाँ पे बंधेज और बांधनी कुर्ती वगैरह मिलेगा क्या? पीछे में मिलेगा, उसके बगल में, मतलब हमको होल सेल में चाहिए थे, इस गली में नहीं मिलेगा, इधर से जा सकेगा, इधर से जाए में जाइए, एक ही मार्केट में जाए, एक ही मार्केट यहाँ से बाएं से चलिए। थैंक यू। ये कपड़े का मार्केट देखिए आप, और पीछे बहुत सारा है, यहाँ पे हर तरीके सूट मिल जाएंगे, 400, 300, 500 देख के। दीदी ये देखिए, ये चुंदरी है, मतलब चावल दुल्हन, अच्छा ये दुल्हन दुपट्टा। यहाँ से लहंगा का मार्केट है पूरा, तो हर तरीके का लहंगा मिल जाएगा यहाँ से। मैंने अपने बहुत लोगों को रिकमेंड किया था लहंगे के लिए, अभी भीड़ कम है। एक्चुअली क्या है कि पूजा स्टार्ट हो चुकी है, आज पंचमी है, तो सारे लोग ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके हैं। यहाँ पे आपको डिज़ाइनर साड़ी लहंगा बहुत ही कम रेट में, इतना कम रेट में कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, और सब अच्छे क्वालिटी के। और यहाँ से पूरा ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होती है, देखो साड़ी है बनारसी, तो यहाँ से हाँ शॉपिंग करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो यार बड़ा बाज़ार का क्या कंडीशन है, ये जो बस सब आ रहे हैं वहाँ पे, वो सत्यनारायण मार्केट है, ये गुरुद्वारा है, ये बस सब हावड़ा चले जा रहे हैं। ये यहाँ पे देखो कितना भीड़ है, मतलब अभी मैं बोलूँगा कि जितना भीड़ है वो 50% भी नहीं है जितना भीड़ होने वाला है, क्योंकि कल से हो सकता है, कल से सब जगह छुट्टी है, बैंक वगैरह में सब जगह ऑफिशियली कल से सब जगह छुट्टी ही है। तो यहाँ पे भी रेमेंट्स का है, उस तरह में क्या। तो चलो यार चलते हैं, अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। गुजराती अंकल अजी अजी काथा नहीं, वो भी देख एक सैंपल लाओ। मैं ये था कपड़ा, टोटल इस टाइप का आइटम का मैं वैरायटी दिखा रहा हूँ, कॉटन में काथा, इन कलर इसमें मिलेगा। ये गोडाउन में पूरा माल भरा हुआ है, इसका सब ऊपर में माल है। अच्छा इसके ऊपर में है, अंधेरा होकर पूरा। तो ये जिस अंकल से हम लोग सामान ले रहे थे उनका गोडाउन है, गोडाउन दिखा रहे, सामान ऐसे फाइनलाइज हो गया है। अरे वाह, ये सब साड़ी है क्या? वो सब कौन सा? वो सब लहंगा, लहंगा है ना? क्या रेट का लहंगा है यहाँ पे?
बच्ची के हिसाब से बच्चा का बड़ा का सब बच्चे इधर आइए। ये देखिए सब अरे वाह अच्छा ये है तो पूरा बांधनी और बंदेज का कलेक्शन सब कलेक्शन सही है। ये प्रिंटेड है ना? ना वो जो ये वाला बल्क वाला देखा है? अच्छा अच्छा ये है पूरा भरा हुआ सही है। अच्छा यहाँ से पूरा चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घाट, ये शिवपुर के पास है। आप हावड़ा से भी आ सकते हैं, हावड़ा जो पुराना न्यू रेलवे स्टेशन है वहाँ से भी आप आ सकते हैं। एक्चुअली लाइट बहुत कम हो इस वजह से यहाँ पे लोग आते हैं ऐसे टाइम पास करने के लिए। और अगर आपको याद होगा तो मेरा पहला ब्लॉग जो मैंने अपने इस चैनल पर डाला था वो इसी जगह का शूट किया था, मतलब वो जो घाट के बारे में मैंने बताया था हावड़ा के आसपास का घाट का। तो ये यहाँ पे अच्छा लाइट आ रहा है। तो अभी हम लोग जाएंगे अवनी मॉल के पास, अगर देखें टाइम हुआ तो अवनी मॉल भी जाएंगे, और नहीं तो फिर वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर वापस बैक टू होम। तो तब तक आप यहाँ पे कलकत्ते का सारा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वो सब देख सकते हैं। ये सामने SBI बिल्डिंग है, मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। वो न्यू ब्रिज है वहाँ, अगर आपको दिख रहा होगा ये SBI का हेड ऑफिस है। तो गाइस ये गाड़ी लगी हुई है हमारी, और यहाँ फुचका कहते हैं, फुचका वाला है क्या? नहीं है, कहाँ गया यार? तो गाइस फुचका वाला नहीं है, दुकान छोड़ के भागा हुआ है। तो गाइस ये कोलकाता फ्राइड चिकन, यहाँ पे कबाब का भी आइटम है, और यहाँ पे ये इनका डेकोरेशन, यहाँ एक टेबल है, हम लोग यहाँ बैठेंगे। तो गाइस ये हमारा आ गया है चिकन टेंगड़ी जो के 130 रुपया प्लेट है। गाइस ये हमारा आ गया है डिंग डोंग बकेट, जिसमें आपको एक मियोनी मिलता है, एक चिकन का लेग पीस मिलता है, दो विंग्स मिलता है, और ये फ्रेंच फ्राई जो कि बहुत ही क्रिस्पी है। तो गाइस अभी आपका खाना हो गया है, ये देखो काफ़ी अच्छा खाना था, टेस्टी था। यहाँ तो मैं पहले भी आता हूँ, अभी भी आप लोग आ सकते हैं, ये ठीक अवनी मॉल के पास में है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है, हाँ जी सबसे अच्छा है, टेस्टी है, जल्दी सर्विस भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अभी हम लोग चलते हैं घर। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय।